हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जेई मेन रिवीजन कोर्स फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। आज का जो लाइव वेबिनार है दैट इज ऑफ फिजिक्स, और जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज डीसी सर्किट्स। सो आई एम अभिषेक कुमार, फिजिक्स एचओडी फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। और ये चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर का जेई मेन में वेटेज कैसा है। तो ये चैप्टर वैसे बहुत ईजी चैप्टर है, बट जेई मेन मेन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से वो काफ़ी हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे जनवरी जो सेशन था जेई मेन 2019 का, उसमें देखोगे तो टोटल एट पेपर्स में 25 क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि हर पेपर में लगभग तीन तीन क्वेश्चंस आए हैं। अप्रैल सेशन में देखोगे तो एट पेपर्स में 20 क्वेश्चंस आए हैं, तो अगेन काफ़ी हाई नंबर है। जनवरी सेशन में 2020 का अगर देखोगे तो उसमें 6 पेपर्स में 9 क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही टोटल पेपर में 25 थे, बट स्टिल 9 क्वेश्चंस आए हैं 6 पेपर्स में। दैट मीन्स काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि तीन पेपर्स में दो दो क्वेश्चंस आए होंगे। तो आगे भी जो जेई मेन होगा उसमें भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि इस चैप्टर से दो या तीन क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ जाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, तो इसका डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम डिस्कशन करते हैं वो करंट का बेसिक डेफिनेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ उसका कुछ रिलेशन वो हम देखते हैं। तो करंट अगर डिफाइन करना है तो बहुत ही बेसिक टर्म्स में करंट का डेफिनेशन सिंपल हम बोल सकते हैं कि करंट बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज होता है। फ्लो ऑफ चार्ज, अगर कहीं भी चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो हम बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो उसमें एक टर्म हम डिफाइन करते हैं एवरेज करंट। तो एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी टाइम अगर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रखा है तो एवरेज करंट हम डिफाइन करते हैं इस तरह से। इंस्टेंटेनियस करंट अगर देखें, इंस्टेंटेनियस करंट डिफाइन करने का तरीका होता है डी क्यू अपॉन डी टी, यहां से इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है करंट। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि करंट फ्लोइंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देता है, और फिर उसमें हमसे करंट पूछा जाता है, तो हम डी क्यू बाई डी टी से करंट निकाल लेंगे। एक आता है कि हमें चार्ज पूछा जाता है कि करंट दे देगा, या तो कॉन्स्टेंट दे देगा या वेरिएबल करंट दे देगा, और चार्ज कितना फ्लो कर रहा है कितने टाइम में यह पूछा जाता है। तो चार्ज अगर फ्लोन बताना है, क्यू फ्लोन चार्ज अगर कितना फ्लो कर रहा है ये बताना है, तो इसमें इंटीग्रल ऑफ डी क्यू कर देंगे, और इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बेसिकली हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, जहां पे आई हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट, ये बन जाएगा। और इसमें एक पर्टिकुलर केस है कि अगर करंट कांस्टेंट है, इफ आई इज कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट है तो फिर चार्ज जो फ्लो करेगा, चार्ज फ्लोन, उसमें ये करंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल ऑफ डी टी बन जाएगा, जिससे कि ये I इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, कि करंट इंटू टाइम इंटरवल कर देंगे तो हमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये आ जाएगा। तो ये दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये डिस्कशन करने के लिए मैंने यहां पे कंडक्टर दिखा रखा है, और इसमें हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है। तो एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब होता है कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टर के अंदर नहीं होता है तो फिर उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेस्ट पे होते हैं, बट वो रेस्ट का मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता है, कि थर्मल एनर्जी के कारण वो रैंडम मोशन में तो होते ही हैं, बट वो रैंडम मोशन होने के बावजूद कोई भी एक क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है, बिकॉज वो मोशन रैंडम है। तो मूव तो करते रहते हैं चार्ज करेस, बट देर इज नो नेट मोशन ऑफ चार्जेस एंड हेंस नो करंट। करंट फ्लो करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना पड़ता है कंडक्टर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप करते हैं, तो कंडक्टर के अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स से इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी का काम यही होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई कर देगा। तो फिर अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है तो ये हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा लेफ्ट वाला एंड, और ये राइट वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो इस कारण से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, जहां पे लेंथ इसका एल है कंडक्टर का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा ये कि कोई भी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिस कारण से जो इसकी रैंडम वेलोसिटी थी उस रैंडम वेलोसिटी के साथ साथ एक और वेलोसिटी अक्वायर कर लेगा, उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर अक्वायर करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कितना एक्वायर करता है, तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ई अपॉन एम इंटू टाउ, जहां पे ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास होता है एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर है, और ये टाउ जो होता है इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, या इसको हम बोलते हैं एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स,
या मीन फ्री टाइम, इस तरह के टर्म्स हम यूज करते हैं. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होगा कंडक्टर में, वो टकरा टकरा के मूव कर रहा होगा, तो ऑन एवरेज दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम ये बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस वेलोसिटी से लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो जो करंट होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट में जा रहा है, तो करंट इसमें इस डायरेक्शन में है. अच्छा, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल घटने के डायरेक्शन में. यानी कि यहां पे ये बन गया कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है, वो फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. और कितना होता है, तो उसके लिए फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में अगर लिख रहे हैं, तो एक फॉर्मूला ये होता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलेट करने वाला फॉर्मूला, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. इस फॉर्मूले को भी हमें याद रखना है, जहां पे वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए है इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एन जो है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक ये वाला फॉर्मूला जिसको अभी मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, और एक करंट एज अ फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए. एक और इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, और इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो कि बच्चे जनरली नेग्लेक्ट भी करते हैं, इसको पता नहीं होता ज्यादातर बच्चों को. तो एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला गिवन है, मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी. तो मोबिलिटी किसी भी चार्ज कैरियर की हम मोबिलिटी डिफाइन करते हैं, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर. जैसे कंडक्टर्स के केस में जो चार्ज कैरियर, दैट इज इलेक्ट्रॉन. तो मोबिलिटी डिफाइन करने का तरीका ये होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है मोबिलिटी. और अगर अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला था ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला, तो अगर इस फॉर्मूले से मैं यहां पे यूज कर लूं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिख जाएगा, दिख रहा है ना, तो अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड करूंगा तो ये आ जाएगा ई इंटू टाउ अपॉन एम. तो ये देखोगे तो उन चार कैरियर्स, चार्ज कैरियर की प्रॉपर्टी है, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम है, टाउ है कोलिजन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स. तो ये भी उस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स है उनकी प्रॉपर्टी है. तो मोबिलिटी का ये फॉर्मूला ध्यान रखना, मोबिलिटी एक तरह से है कि जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी चार्ज कैरियर की फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें उतना ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी. तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है. फिर आगे बढ़ते ओम्स लॉ. अच्छा, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सर्किट्स वाला डिस्कशन नहीं है, तो एग्जाम में सर्किट्स वाले क्वेश्चन तो आते ही, बट सर्किट्स के अलावा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं ये आई इक्वल टू एनी वीडी वाले फॉर्मुलेस पे, तो इनको भी ध्यान रखना है, और ये बच्चे जनरली नेग्लेक्ट करते हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी आता है. ओम्स लॉ अगर करें तो ओम्स लॉ तो ये सिंपल है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ओम्स लॉ. एक होता है ओम्स लॉ फॉर एंटायर कंडक्टर, फॉर एंटायर कंडक्टर, यानी कि कोई भी कंडक्टर दे रखा है तो पूरे कंडक्टर के लिए हम ओम्स लॉ लगाते हैं. और ये किस, क्या होता है, ये तो पढ़ रखा है V इक्वल टू I इंटू R, जहां पे R क्या होता है, R होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और ये होता है रो L बाई A, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है तो ये रो L बाई A होता है. एक ये फॉर्म तो है ही, बट इसके अलावा एक जो दूसरा फॉर्म है उसको भी याद रखना है. दूसरा फॉर्म होता है किसी भी एक पॉइंट के लिए, फॉर अ पॉइंट, कि कंडक्टर के अंदर कोई एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे ओम्स लॉ किस फॉर्म में आएगा, तो वो होता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ये होता है J equal to sigma into E, इसको भी याद रखना है, क्योंकि potential difference तो जैसे पूरा conductor है, तो potential difference तो उस पूरे conductor के across की property हो गई, लेकिन electric field तो conductor के हर point पे electric field की एक value होगी, तो J equal to sigma E, जहाँ पे J क्या होता है, J होता है current density, current per unit area. अच्छा, यहां से यहां तक हम पहुंचते कैसे हैं, V equal to IR से J equal to sigma E, तो यहां तक पहुंचने का तरीका ये होता है कि अगर मैंने V को I into resistance को हमने rho L by A लिख लिया, rho L by A, तो यहां से ये बन जाएगा V अपॉन L, एक तरफ कर लेते हैं V अपॉन L, और ये बन जाएगा हमारे पास रो इंटू आई अपॉन A. तो V अपॉन L जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू आई अपॉन A, दैट इज करंट डेंसिटी. तो यहां से फिर अगर हम करंट डेंसिटी लिख रहे हैं, तो करंट डेंसिटी हो जाएगा 1 अपॉन रो और इंटू E, और 1 अपॉन रो को फिर हम सिग्मा बोलते हैं, तो J इक्वल टू सिग्मा E, ये फॉर्म होता है. तो ये फॉर्म भी ध्यान रखना है, ठीक है. चलो अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिनमें ये जो हमने फॉर्मूले सिंपल सिंपल से देखे हैं इनका यूज है. एक ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं और फिर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है, ड्रिफ्ट स्पीड वी बोल रखा है और उसकी वैल्यू पूछी है. तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है,
आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी. इसमें देखोगे तो सब कुछ गिवन है डिफ्लोसिटी के अलावा. जैसे ये करंट दे रखा है, दिस इज आई. ये एरिया 5 mm square, ये एरिया दे रखा है. और ये इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी दे रखा है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो ये एन दे रखा है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये ई दे रखा है. तो सब कुछ इस फॉर्मूले में डालोगे, यहां से तुम्हें एक ही अननोन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये पता चल जाएगा. ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ा पेशेंटली करना है. एग्जाम में कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है. फॉर्मूला से लिखने के बाद भी आंसर अगर गलत आ गया तो उसे नेगेटिव मार्किंग होगी. तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में थोड़ा पेशेंटली कैलकुलेट करो. और एक ये भी थोड़ा ट्रिक कैलकुलेशन वाले में रहता है कि जैसे ही कैलकुलेशन कर लिया ना, उसके बाद जल्दी से एक 5-10 सेकंड का रिविजन कर लो उस कैलकुलेशन का, कि कहीं मैंने गलती तो नहीं की, कहीं एक टू का फैक्टर तो नहीं छोड़ दिया. तो उसे पेशेंटली कैलकुलेट करके सही आंसर आ जाएगा. एक ये क्वेश्चन देखो, मोबिलिटी पूछा है. मोबिलिटी, फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस. तो मोबिलिटी का फॉर्मूला हमने देखा था कि मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये होता है मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन नहीं दिया है. तो हमें दिया क्या है, तो करंट दे रखा है और रेजिस्टिविटी दे रखा है. तो करंट और रेजिस्टिविटी के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, कि उसके लिए हम ओम्स लॉ यूज कर लेंगे. तो ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, V इक्वल टू आई आर. तो अगर मैंने V इक्वल टू आई आर को हमने रो एल बाई ए, तुम्हें ये थोड़ा एनालाइज करना है कि जो चीजें गिवन है उसके टर्म्स में हम कैसे फॉर्मूले तक पहुंचेंगे. तो इसमें अब मैं अगर V अपॉन एल एक साथ कर लूं, V अपॉन एल, आई इन टू रो और अपॉन ए आ जाएगा. तो ये V अपॉन एल यही इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू आई इन टू रो अपॉन ए. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा के तुम यहां से यहां डाल दोगे, तो आई रो अपॉन ए. अब तुम्हें ये आई भी दे रखा है, रो भी दे रखा है, और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है. तो यहां से एरिया भी पता चल जाएगा, एरिया भी पता चल जाएगा यहां से, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है. तो वहां से ये डिफ्लो, ये जो मोबिलिटी है इसकी वैल्यू निकल जाएगी. तो मोबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. एक ये क्वेश्चन देखो, ये वो वाले क्वेश्चंस मैं कर आ रहा हूं पहले, जो कि बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं डीसी सर्किट्स में. सिर्फ सर्किट सॉल्विंग इज नॉट डीसी सर्किट्स, उनमें ये चीजें भी हैं एक्स्ट्रा, जो कि जनरली नेग्लेक्टेड होता है. तो उन पे हम थोड़ा भी स्टार्टिंग में ही फोकस कर रहे हैं. इसमें रेजिस्टिविटी पूछ रखा है और बाकी कुछ कुछ जैसे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दे रखा है. तो रेजिस्टिविटी का नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह से जो रिलेशन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला जनरली नॉट वेरी इजी टू रिमेंबर. तो उस फॉर्मूले का डेरिवेशन लेकिन बड़ा आसान होता है. तो मैं यहां पर डेराइव करके दिखाता हूं, कि उसके लिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे. I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये सबको याद रहता है, ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा. अब यहां से मैंने बोल रखा है कि तुम्हें एक वो अलग ही फॉर्मूला याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो होता है ई अपॉन एम इन टू टाउ, ये होता है. अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि आई अपॉन ए, ए वाला टर्म लेफ्ट में लिया है और बाकी जो राइट में टर्म है उसमें ई अलग कर लिया. तो क्या बन जाएगा, एन इन टू ई स्क्वायर इन टू टाउ अपॉन एम और इन टू ई, ये आ गया. तो ये फिर कुछ उस फॉर्म में आ गया, आई अपॉन ए ये जे हो गया, और ये जो पूरी चीज है यही फिर सिग्मा है, सिग्मा इन टू ई. तो सिग्मा का एक्सप्रेशन ये मिल गया. और फिर जो रो होता है वो होता है 1/σ. सिग्मा इज कंडक्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है. तो जे इक्वल टू सिग्मा ई वाले से हम फिर सिग्मा निकालेंगे एक्सप्रेशन ऊपर वाले टर्म्स में. तो दिस बेसिकली पूरा जो ब्रैकेट के अंदर चीज है यही सिग्मा है. तो यहां पे देखोगे तो सब कुछ दे रखा है. जैसे ये जो दिया है दैट इज एन, एन दे रखा है. मीन फ्री टाइम यानी कि टाउ दे रखा है. अच्छा, ये जो मीन फ्री टाइम दे रखा है ना, वो फेमटो सेकंड दे रखा है. तो इस तरह के टर्म्स प्रीफिक्सेस एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर दिया है, फेमटो, पीको, माइक्रो, नैनो. तो ये सब तुम्हें याद रखना है. तो इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन के साथ साथ एक यहां पे एक टेबल देखोगे, टेबल बना दिया है. इस टेबल में ये सारे प्रीफिक्सेस गिवन है एक बार रिवाइज करने के लिए, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली यूज होते हैं. तो फेमटो सेकंड जो होता है वो फेमटो अगर देखो तो 10^-15 है, 10^-15 है ये फेमटो, ठीक है. और इस फेमटो को हम फर्मी भी बोलते हैं, फेमटो को फर्मी भी बोलते हैं. तो 25 फेमटो सेकंड्स का मतलब 25 × 10^-15 सेकंड्स. तो टाउ दे रखा है, ई तो पता ही है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है. तो यहां से रेजिस्टिविटी आ जाएगा. अगेन थोड़ा पेशेंटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा. चलो कैलकुलेशन कर लेना. मैंने अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, तो कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर्स फाइनल नहीं निकालूंगा, इस कारण से मैंने आंसर दे रखा है. तो तुम्हें खुद से कैलकुलेशन करना है और एक बार सही आंसर तक पहुंचना है. तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा.
तो इस वेबिनार के बाद ये पूरा जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, जिस पीडीएफ, जिस मैं जो लिख रहा हूँ ये सारा तुम्हें एक पीडीएफ के फॉर्म में शेयर हो जाएगा, तो तुम इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से खुद से सॉल्व करोगे और फाइनल आंसर तक निकालोगे। एक ये देखते हैं, ये भी काफी कॉमन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो एग्जाम के ही ले रहे हैं, या तो 2019 का ले रहे हैं या 2020 का ले रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन वही है। तो इसे बोल रहा कि कॉपर वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं 0.5% लंबा कर दे रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा ये बताना है। वॉल्यूम बोल रखा है कि अनचेंज्ड है, वैसे नहीं भी बोलता तो भी स्ट्रेचिंग अगर कर रहे हैं तो वॉल्यूम कंजर्वेशन तो हम कर ही लेंगे। तो इसमें रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। और वॉल्यूम अगर लिखे तो वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल, कुछ नहीं बोल रखा है तो हमेशा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर मानोगे। तो यहाँ वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हम लेट से एरिया को अगर हटा लें तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन एरिया, एरिया की जगह हमने वॉल्यूम और अपॉन लेंथ लिखा तो ये लेंथ ऊपर एल स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब यहां पे चेंज हम क्या कर रहे हैं, तो यहां पे अगर देखोगे तो इसमें स्ट्रेच कर रहे हैं वायर को, तो रो तो चेंज नहीं होगा, मटेरियल वायर का वही है। वॉल्यूम भी बोल रखा है कि कांस्टेंट है, वो हम नहीं भी बोलता तो कांस्टेंट ही मानते, तो हम चेंज कर रहे हैं लेंथ, तो लेंथ चेंज होने से रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। और यहां पे नोटिस करोगे तो ये जो चेंज है ये स्मॉल चेंज है, 0.5% का ही चेंज है, बहुत स्मॉल चेंज है। तो स्मॉल चेंजेस को रिलेट करने के लिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के बजाय ज्यादा आसान तरीका होता है कि हम एरर वाले तरीके से कर ले, एरर वाले तरीके से कर ले, यानी यहां पे क्या कर लेंगे कि डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू, सिर्फ एल में चेंज हो रहा है तो ये बन जाएगा ट्वाइस इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। और इसी इक्वेशन को अगर अभी जो इक्वेशन है ये फ्रैक्शनल चेंजेस में रिलेशन बता रहा है, अगर मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज चेंज में रिलेशन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, जैसे अगर हमें परसेंटेज चेंज इन आर पता करना है, परसेंटेज चेंज इन आर, तो आर में परसेंटेज चेंज जो होगा वो आ जाएगा ट्वाइस इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 वो परसेंटेज चेंज इन एल है, वो दे रखा है 0.5, तो ये आ जाएगा 1%। तो ये जो है परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज इन आर, आर में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, तो 1%, तो इसका आंसर फिर सी हो जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, स्मॉल चेंजेस के लिए हम एरर्स यूज कर लेंगे। एक ये डिस्कशन करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है। और इसमें क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर और इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और वो डेल्टा टी होता है टी माइनस टी नॉट, ये बनता है, ये फॉर्मूला होता है, जहां पे ये होता है रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर। और रेफरेंस टेम्परेचर जो हम लेते हैं ये हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो फिर ये जो देता है ये हमें देता है टी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस देता है, एट टी डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस और टी डिग्री सेल्सियस वाले रेजिस्टेंसेस आपस में इस तरह से रिलेटेड होते हैं। अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके बेसिस पे एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन 2006 का है, तो अभी एक दो साल से तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला क्वेश्चन नहीं आया है, बट स्टिल अगर आ गया तो ये सिंपल सा ही होता है, ये फॉर्मूला बस हमें लगाना है। तो ये फॉर्मूला देखो, इसमें बोल रखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बल्ब का रेजिस्टेंस 100 ओम है, और 200 ओम कितने टेम्परेचर पे होगा हमें ये बताना है, ठीक है, और हमें टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर ये जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, अगर इस टेम्परेचर को मैं टी मान लेता हूं, तो मैं 0 से रिलेट करूंगा दोनों को 0 से रिलेट करूंगा। एक काफी बच्चे ये करते हैं कि दोनों को आपस में, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस और टी को आपस में रिलेट कर देते हैं, तो उससे जो आंसर आता है ना वो फिर एग्जाम में अगर दूसरा आंसर है तो वो दूसरा सही होगा। जैसे यहां पे अगर करके देखोगे तो अगर मैंने सीधा 100 डिग्री सेल्सियस और टी के बीच में लगा दिया, 100 डिग्री सेल्सियस और टी के बीच में लगा दिया, तब क्या इक्वेशन बनेगा, तब बनेगा कि टी पे हमने 200 माना, तो 200 इज इक्वल टू 100 और इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आएगा। तो यहां से आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 2 माइनस 1 कर देंगे, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा टी आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा, अल्फा कितना है 0.005 दे रखा है, तो इसमें अगर डेसिमल हटा लें तो ये इंटू 1000 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 200, ये 200 आ जाएगा। तो डेल्टा टी 200 है और ये हमने लगाया किसके बीच में, टी और 100 के बीच में लगाया, टी और 100 डिग्री सेल्सियस में। तो डेल्टा टी अगर 200 है तो डेल्टा टी इज बेसिकली टी माइनस 100, तो यहां से टी का आंसर 300 आएगा, बट यहां पे देखो तो आंसर 400 दे रखा है, 300 नहीं दे रखा है, बी है आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्टली दो टेम्परेचर्स के बीच में मत लगाओ, ये लगाना
अगर दूसरा एक और ऑप्शन है कि हम जीरो और टी के बीच में लगाते हैं, तो वही वाला करो, एक हैबिट ये डेवलप कर लो कि रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस वाला है तो इसको भी पहले जीरो वाले से रिलेट करो, और जो टी वाला है उसको भी जीरो वाले से रिलेट करो, और फिर आंसर निकालो सही। तो ये करना एग्जाम में गलत होगा। हम रेफरेंस टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस से रिलेट करते हैं, तो वो हम ये करके देख रहे हैं। तो अब पहले हमने क्या किया कि जीरो डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस इनके बीच में लगा लिया, तो इसमें भी क्या बन जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 100 है, तो 100 इज इक्वल्स टू आर नॉट और इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हो जाएगा 100 माइनस 0, ये बन जाएगा। और एक मैं लगाया 0 डिग्री सेल्सियस और टी डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो ये 200 हमें चाहिए, इज इक्वल्स टू आर नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू यहां पे आ जाएगा टी माइनस 0, ये बन जाएगा। और फिर मैंने इन दोनों का रेशियो ले लिया, इन दोनों का रेशियो ले लिया, तो अगर मैं लेट से इसको 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं, तो मैंने 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा इनटू टी और अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा, ये आ जाएगा। तो यहां से अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैं थोड़ा आंसर निकाल के दिखा देता हूं, 200 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इनटू टी, तो यहां से अगर करोगे तो 2 माइनस 1 अल्फा वाले टर्म को उधर ले जा रहे हैं, तो आ जाएगा अल्फा इनटू टी माइनस 200, तो यहां से 1 अपॉन अल्फा, अल्फा तो हमारे पास 0.005 दे रखा है, इज इक्वल्स टू टी माइनस 200, और ये अभी हमने देखा था ना कि ये वाला लेफ्ट वाला टर्म तो है 200 है, तो 200 इज इक्वल्स टू टी माइनस 200, यानी टी की वैल्यू 400 आ गई। तो ये दोनों तरीके से दो अलग अलग आंसर आ रहा है, और ये आंसर्स अगर दोनों अलग अलग आ रहा है तो फिर हमें आंसर करना चाहिए सेकंड वाला आंसर करना चाहिए, वो इसलिए बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा लार्ज इन्वॉल्व है यहां पे। तो अगर लार्ज टेम्परेचर, अगर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस होता तब तो फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करके दोनों आंसर्स लगभग सेम ही तरह के वैल्यूज देते, बट अगर वैल्यूज काफी अलग अलग आ रही है तो फिर हमें ये वाला चीज यूज करना है। तो ये एग्जाम में ध्यान रखना है कि हमेशा तुम जीरो डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस लोगे और उन्हीं से दोनों टेम्परेचर्स को रिलेट करोगे और आपस में फिर रिलेशन निकालने के लिए डिविजन कर लोगे, तो इसमें जो सही आंसर होगा दैट इज 400 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब ये टेम्परेचर रेंज बहुत बड़ा आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं, तो वैसे जो टेम्परेचर ये वाला रिलेशन होता है ना, लीनियर रिलेशन, ये स्मॉल चेंजेस के लिए होता है, बट अगर एग्जाम में आ गया बड़ा चेंज के लिए भी यही फॉर्मुला लगाना है तो लगा दो, बिकॉज और बड़े चेंजेस के लिए तो हमें कुछ ऑप्शन है नहीं, हमने तो सिर्फ यही पढ़ा हुआ है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये जो लीनियर रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का, ये स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस के लिए वैलिड रहता है, बट एग्जाम में अगर बड़े के लिए भी आ गया तो तुम लगा दो, बिकॉज और तो कुछ आता नहीं है हमें, तो इसी को लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये भी काफी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास से, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने एक बार फिर से यहां पे लिस्ट डाउन कर दिया, एक बार देख सकते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोलते हैं, जब रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, तब हम बोलते हैं कि रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाता है, ज्यादा है अगर तो और ऐड होते चला जाता है, करंट सब में सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसा निकल जाएगा, वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस IR से निकालोगे कि पहले करंट आ गया फिर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बोलते हैं, जब रेजिस्टर सेम दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हो, तो यहां पे एक रेजिस्टर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी है, तब हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम हो जाएगा, बिकॉज सेम ही दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो उन दोनों पॉइंट्स के जो भी वोल्टेजेस होंगे पोटेंशियल डिफरेंस वही हो जाएगा दोनों के अक्रॉस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो जाता है, जो कि दो के लिए तो फिर ज्यादा आसान ये वाला हम यूज करते हैं, R इक्विवेलेंट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो दो के लिए तो ये यूज कर लेंगे, और दो से ज्यादा है तो हम सारे रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, तो वहां से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आता है। करंट कितना होता है, तो करंट इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है, तो ये ध्यान रखना, करंट डिवाइड होता है इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो कभी ऐसा आता है कि ब्रांचेस में जाकर इंडिविजुअली कितना कितना करंट गया, तो यहां से देख सकते हो कि R1 अपॉन R2 अगर करोगे तो ये सॉरी मैं अगर I1 अपॉन I2 करूं, I1 अपॉन I2 करेंट्स का अगर रेशियो लूं, I1 अपॉन I2, तो ये देखोगे तो ये R2 अपॉन R1 आएगा, यानी कि इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड होता है, तो ये ध्यान रखना है। और इनवर्स रेशियो में डिवाइड करें तो एक और इक्वेशन, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I, तो वहां से आ जाएगा कि अगर मान लो यहां पे टोटल करंट I आ रहा है तो ऊपर वाले ब्रांच और नीचे वाले ब्रांच में कितना कितना करंट जाएगा, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपल सी चीज है, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो जो क्वेश्चंस मेंस में आए हैं उनको हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो जैसे ये देखो, ये
2020 में इसी साल आया है ये, तो करंट की वैल्यू ये पूछी गई, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो इसमें अगर देखोगे ना तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे अगर मैंने यहां पे जीरो ले लिया और यहां पे वन ले लिया, जैसे हम पॉइंट्स के पोटेंशियल लिखते हैं, नोडल एनालिसिस को बोलते हैं, तो ऊपर वाले ब्रांच में ये जीरो और वन इंडिविजुअली है, यानी कि नीचे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर वाले ब्रांच को, नीचे तो इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस वन है, तो इसमें तो अपना अकेला करंट चला जाएगा वन अपॉइंट टू करंट चला जाएगा, यानी कि यहां पे तो 1.2 चला जाएगा। हमें पूछा है कि ऊपर कितना गया, तो ऊपर अगर देखोगे तो ऊपर वाली इस पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो इस ब्रांच में पहले तो 1 और 1 पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो 2 है तो हाफ हो जाएगा, 3 है तो 1/3 हो जाएगा, तो यहां पे 2 है तो 1/2, और 1/2 और प्लस 2 ये सीरीज में है, तो ये टोटल आ जाएगा 2.5 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट इसमें कितना जाएगा, करंट कितना जाएगा, इसको मैं आई बोल रहा हूं, तो आई चला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1/2.5, इतना चला जाएगा करंट, ठीक है। आई वन कितना जाएगा, तो अब यहां पे 1 और 1 दोनों ही ब्रांचेस में इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है तब तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं रहते तब हमने जो अभी बोला कि इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है उसको यूज कर लेते, यहां पे तो इक्वल है तो आई वन विल सिंपली बी आई बाई टू, तो हो जाएगा 1/2 × 2.5, यानी कि ये 1/5 आ जाएगा, और 1/5 फिर बन जाएगा मेरे पास 0.2, तो फिर इसका आंसर ही हो जाएगा, सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये देखते हैं, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि वायर जो बीडी है इसमें करंट पता करना है, बीडी वाले वायर में करंट पता करना है, जो बीच में जो जीरो रेजिस्टेंस वाला वायर है उसमें पता करना है। तो इसमें बी और डी ये दोनों अगर जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। तो रीड्रॉ करने के लिए हम बी और डी को एक ही पॉइंट बना लेंगे, तो यहां पे ए और यहां पे बी डी एक ही पॉइंट है और फिर यहां पे सी है, तो यहां पे फिर दिख जाएगा कि 1 और 4 ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये 1 है ये 4 है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और आगे जाके इधर हमारे पास ये 2 है और ये 3 है, ये पैरेलल में कनेक्टेड और फिर ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया तो फिर करंट एंटर करने वाला आ जाएगा, वहां से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहले इस ब्रांच का देखते हैं, इस ब्रांच का कितना होगा, पैरेलल है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 × 4/1+4, यानी ये आ गया 4/5। इस वाले ब्रांच का कितना हो जाएगा, तो इस वाले ब्रांच का हो जाएगा 2 × 3/2+3, तो ये आ जाएगा 6/5, और ये दोनों फिर सीरीज में है, तो टोटल आर इक्विवेलेंट सर्किट का अगर निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, तो ये आ जाएगा 4/5 + 6/5 10/5, यानी कि 2 आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, और 2 ओम अगर आ गया तो ये जो करंट बैटरी से सप्लाई होगा ये कितना करंट होगा, तो 20/2 यानी कि 10 एम्पियर्स आएगा। तो यहां पे इस वाले डायग्राम में अगर दिखा रहे हैं, नीचे वाले डायग्राम में, तो 10 एम्पियर्स जो होगा वो इधर जाएगा 10 एम्पियर्स। अब इसमें कितना जाएगा, तो इसमें इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा, ये, ठीक है। तो वो कर लो, इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर लो, या फिर ये कर सकते हैं कि अगर मैंने इन दोनों को 1 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन 4/5 ओम का है, तो इन दोनों को मिलाकर अगर एक अकेला रेजिस्टर डालता तो उसका रेजिस्टेंस हो जाता 4/5। तो अगर 4/5 हो गया तो उसमें 10 एम्पियर करंट जाता, तो पोटेंशियल चेंज निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल चेंज अगर निकालेंगे तो फिर यहां का पोटेंशियल आ जाएगा, तो यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 10 माइनस पोटेंशियल चेंज कितना होता, वो अकेला रेजिस्टर 4/5 वाला होता और उसमें करंट कितना जाता, तो 10 एम्पियर करंट जाता, ठीक है। तो यह बन जाएगा 10 माइनस 8 बन जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2, ये 2 आ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट्स। तो ये जो बी और डी दिख रहा है ना, इसमें पोटेंशियल 2 वोल्ट्स हो गया, और 2 वोल्ट जैसे ही हुआ तो 10 है और यहां पे 2 है, तो इसमें करंट कितना जाएगा, ऊपर में करंट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है 8 और रेजिस्टेंस है 1, तो यहां पे 8 चला जाएगा और यहां पे फिर बचा हुआ 2 चला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 8 है, लेफ्ट में 10 है राइट में 2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 8 है और रेजिस्टेंस है 4, ये चला गया। 2 और 3 राइट वाले में जो 2 और 3 है उसमें अगर देखें तो उसमें कितना करंट आएगा, ऊपर से कितना आएगा 2 वाले से, तो लेफ्ट में 2 है और यहां पे 0 है, मान लो अगर मैंने पोटेंशियल वाइज यहां का 0 ले लिया, पोटेंशियल अगर हम लिख रहे हैं, एक मिनट, हमने पोटेंशियल अगर लिखा तो पोटेंशियल मैं क्या कर रहा था, ओके मैंने 10 ले लिया है, 10 नहीं है, एक मिनट लेट मी रेक्टिफाई दिस, ये पोटेंशियल वाइज अगर हम देखेंगे, एक बार मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूं,
या तो इनवर्स रेशियो में कर लो, मैं एक दूसरे तरीके से करना चाह रहा हूं, मैं नोडल एनालिसिस से करना चाह रहा हूं। तो नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि यहां पे जीरो ले लिया तो यहां पे ये 20 हो जाएगा, तो ए वाले पॉइंट पे 20 हो जाएगा और यहां पे जीरो हो जाएगा। तो फिर जो बी और डी वाला पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल अगर निकाल रहा हूं, तो वहां पे पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए 1 एंड 4 का जो कॉम्बिनेशन था उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 4/5। तो यहां का पोटेंशियल लिखने के लिए 20 माइनस 20 लेफ्ट वाले का, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो एक 4/5 वाला जो होगा रेजिस्टेंस उसमें करंट कितना गया होगा, तो करंट गया होगा जो 10 एम्पीयर करंट आ रहा है वो पूरा जाएगा। कि इक्विवेलेंट 1 एंड 4 का इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इन दोनों को रिप्लेस करके एक रेजिस्टर डाल दिया, तो उस एक रेजिस्टर में तो जो 10 एम्पीयर करंट आ रहा है वो पूरा चला जाएगा, तो वो 10 एम्पीयर और इनटू रेजिस्टेंस है इसका 4/5 ये हो जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, दिस इज 12, ये 12 आ रहा है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 माइनस 8, तो 20 माइनस 8 विल बी 12, 20 माइनस 8 विल बी 12, ये 12 हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो यहां पे बी और डी ये पूरा जो ब्रांच है इसका पोटेंशियल हमें मिल गया कि दैट इज 12, तो पोटेंशियल यहां भी 12 लिख लिया और यहां भी 12 लिख लिया। तो अब अगर ऊपर वाले ब्रांच में देखोगे तो करंट कितना आएगा, तो लेफ्ट में 20 और राइट में 12 है, तो 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 8 एम्पियर करंट इधर चला जाएगा। नीचे वाले ब्रांच में अगर देखोगे 4 ओम वाले में, तो लेफ्ट में 20 है, ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल 20 है और डी का 12 है, तो 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो 2 एम्पियर करंट चला जाएगा। इंडिविजुअल करंट्स निकालने के लिए मैं ऐसा नोडल एनालिसिस करूंगा तो थोड़ा फायदा होगा। फिर ये 2 ओम वाले में करंट कितना है, 2 ओम वाले में, तो 2 ओम वाले के लेफ्ट में 12 वोल्ट और राइट में है 0, तो फिर 6 एम्पियर यहां से आ जाएगा। और 3 ओम वाले में तो लेफ्ट में 12 है राइट में 0 है, तो 12/3 यानी कि 4 एम्पियर आ जाएगा। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब अगर बीडी वायर में पता करना है, तो बीडी वायर में देखो क्या होगा, तो उसमें लेफ्ट से आ रहा है 8 एम्पियर करंट, 8 एम्पियर करंट 1 ओम वाले से आ रहा है और राइट में जा रहा है 6 एम्पियर ही जा रहा है, तो फिर बचा हुआ 2 एम्पियर ये नीचे आ रहा होगा, 2 एम्पियर नीचे आ रहा होगा। तो यही पता करना था इसमें कि जो बीडी वायर है जीरो रेजिस्टेंस वायर उसमें करंट कितना जाएगा, तो वो ऐसे कुछ आएगा। तो ये वैसे क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल का, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो जीरो रेजिस्टेंस वायर है उसमें करंट पता करना है। तो उसके लिए पहले तुम बाकी रेजिस्टेंस में करंट निकालोगे और बाकी रेजिस्टेंस में जो करंट आएगा उसको यूज करके फिर जंक्शन पे करंट बैलेंस करके तुम्हें इसमें भी करंट निकल आएगा। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक ये देखो, ये भी इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं इसलिए ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो इसमें पहले बोल रखा है कि एक मेटल वायर का रेजिस्टेंस है 3 ओम और इसको इलोंगेट कर रहे हैं टू मेक अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ डबल इट्स प्रीवियस लेंथ, तो स्ट्रेचिंग करके डबल लेंथ कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि वायर को स्ट्रेच अगर करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस आर से लेकर अगर एन टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो एन स्क्वायर आर टाइम्स हो जाता है, ये याद होगा। लेंथ चेंज होता है, एरिया भी चेंज होता है, तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो पहले अगर 3 ओम था तो और हमने डबल किया है, डबल किया है तो एन स्क्वायर एन 2 हो गया, डबल किया है तो 4 × 3 यानी कि 12 ओम हो जाएगा। तो 12 ओम उसका रेजिस्टेंस हो गया होगा इलॉन्गेट करने के बाद। अब बोल रहा है कि अब इस वायर को हमने एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है, सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है, और फिर हम दो पॉइंट्स ऐसे ले रहे हैं जो कि 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, अच्छा ये 60 डिग्री है तो एक तरह से अगर हम 360 डिग्री टोटल होता तो 360/60 यानी 6 पार्ट्स हो जाएंगे। तो पूरा वायर का जो लेंथ था वो 12 ओम था, तो अगर उस 12 ओम को 6 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2-2 ओम हो जाएगा। तो यहां पे फिर ये होगा कि ये जो नीचे वाला यहां से यहां तक वाला है इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम और ऊपर वाला जो पार्ट है उसका रेजिस्टेंस फिर 10 ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो पूरे वायर का जो लेंथ था उसके करेस्पॉन्डिंग अगर लेंथ 12 ओम था तो नीचे वाला जो पार्ट है 60 डिग्री जो सबटेंड कर रहा उसका लेंथ 1/6 है, तो रेजिस्टेंस भी 1/6 हो जाएगा और बचा हुआ का फिर 10 हो जाएगा। अब ये 10 और 2 ये दोनों पैरेलल में है, 10 ओम और 2 ओम ये दोनों पैरेलल में है, सेमी दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 × 2/10+2, तो ये आ जाएगा 20/12, तो 20/12 विल बी 5/3, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इसमें दो चीजें यूज हो रही थी, एक बार इलॉन्गेशन वाला, अच्छी इस बार इलॉन्गेशन डबल लेंथ वाला। तो डबल लेंथ वाले में जो हमने पहले किया था ना कि एरर वाला तरीका यूज कर लिया था, तो वो तब करना है जब लेंथ में चेंजेस स्मॉल है, यहां पे तो लेंथ डबल ही कर दिया तो फिर एरर वाले तरीके से नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, एरर वाले तरीके से नहीं करेंगे, उसमें तो फिर हम जो नॉर्मल तरीका होता है कि हमने लेंथ डबल कर दिया तो एरिया हाफ हो जाएगा और वहां से रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स आता है। स्मॉल चेंजेस के लिए हम एरर वाला तरीका यूज करते हैं।
और यहां पे ज्योमेट्री जो बनी उसमें फिर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया। नेक्स्ट ये देखते हैं, ये भी अगेन कॉम्बिनेशन जैसा ही है, बट इसमें एक कॉन्टिन्यूअस सा मीडियम है, स्पेस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स। तो ये कर रखा होगा सबने, हमारे मॉडल में भी है इसको, अगर देख लें तो ऐसा कुछ कि एक हमारे पास अंदर में शेल है और एक बाहर में शेल है और मटेरियल कुछ ऐसा भर दिया हमने इसके बीच में, कोई मटेरियल भर दिया जिसकी रेजिस्टिविटी दे रखा है कि रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टिविटी रो है, और इसमें रेडियस अंदर एंड बाहर का ए एंड बी दे दिया है। तो इसमें अगर मैं रेडियस दिखा दूं तो लेट से इसका अंदर वाला रेडियस ए है और बाहर वाला रेडियस बी है, और इन दोनों स्फीयर्स के बीच में इसका रेजिस्टेंस पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें एलिमेंट्स लेते हैं और वो एलिमेंट्स स्फेरिकल शेल एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो उसमें तरीका ये होता है कि हम कुछ x x रेडियस का, x रेडियस का एक हमने ऐसा शेल एलिमेंट ले लिया, शेल एलिमेंट ले लिया, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा ना दोनों स्फीयर्स के बीच में, का मतलब यह है कि दोनों अंदर एंड बाहर वाला कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, स्फेरिकल सरफेस हैं, कंडक्टिंग एक तरह से शेल्स हैं, कंडक्टिंग शेल्स हैं। तो अगर मैं उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूंगा तो फिर इसमें करंट फ्लो करेगा, वो स्फेरिकल सिमेट्री से फ्लो करेगा, करंट कुछ ऐसा फ्लो करेगा कि करंट इधर कुछ जाएगा इस डायरेक्शन में, इधर कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, स्फेरिकल सिमेट्री से ऐसा करंट रेडियली आउटवर्ड जाएगा करंट, और करंट अगर रेडियली आउटवर्ड जा रहा है तो उसके रास्ते में ऐसे स्फेरिकल शेल रेजिस्टेंसेज मिलेंगे। तो एक स्फेरिकल शेल का अगर हम रेजिस्टेंस देखें, लेट से हमने ये वाला जो शेल ले रखा है इसका अगर रेजिस्टेंस देख रहे हैं dr, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये होता है रो एल बाई ए। अब रो एल बाई ए वाले फॉर्मूले में एल जो होता है वो होता है कि उस कंडक्टर को क्रॉस करते समय करंट को जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है वो डिस्टेंस होता है एल। तो यहां पे वो डिस्टेंस हो जाएगा, इसका सेल का थिकनेस जो होगा वो डीएक्स वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो एल की जगह आ जाएगा डीएक्स, बिकॉज शेल को जब रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेल को क्रॉस करने में, दैट इज डीएक्स, उसके थिकनेस के बराबर। ये होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया कितना क्रॉस करना पड़ रहा है, तो ये पूरे शेल का एरिया आ जाएगा, और एक्स रेडियस का अगर शेल है तो उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रो एल बाई ए में आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। और फिर इन दोनों स्फीयर्स के बीच में ऐसे बहुत सारे शेल एलिमेंट्स एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो फिर जो एलिमेंट्स हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है। तो फिर सीरीज कनेक्शन का होता है तो आर निकालने का तरीका होता है कि सारे रेजिस्टेंसेस को हम जोड़ देते हैं, तो यहां पे इन्फिनिट रेजिस्टेंसेस हैं तो इन्फिनिट टर्म्स को जोड़ने का तरीका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रल ऑफ डीआर कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन अगर करोगे तो इसमें रो और फोर पाई ये तो बाहर ही आ जाएगा और ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट्स क्या डालोगे, तो एक्स में ए से लेके बी तक रेडियस डालना था, तो जहां से जहां तक हमें शेल्स कवर करने, तो ए रेडियस से बी रेडियस तक के सारे शेल्स कवर करने, तो ये आर का एक्सप्रेशन बन जाएगा रो अपॉन फोर पाई dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स और a से b, तो ये आ जाएगा रो अपॉन फोर पाई माइनस के लिए हमने लिमिट्स इंटरचेंज कर दिया, तो ये वन बाई बी माइनस ये वन बाई ए माइनस वन बाई बी, लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएगा ऐसा बन जाएगा। तो इसका फिर जो सही ऑप्शन दिख रहा है दैट इज ऑप्शन सी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक कॉन्टिन्यूअस रेजिस्टेंस था जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल था, इसलिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा कि अलग, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो रेडियली आउटर डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है वो स्फेरिकल सरफेस को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रेडियस बढ़ रहा है तो वो एरिया बढ़ता हुआ जा रहा है, इस कारण से हमें ऐसे केसेस में रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब एक इस तरह का नेटवर्क देखते हैं, सीरीज पैरेलल वायर नेटवर्क तो हो गया, वो तो सिंपल होता है, एक देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। तो ये नेटवर्क, ऐसे रेजिस्टेंसेस के नेटवर्क को हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है कि टर्मिनल्स प्रॉपर होने चाहिए, जैसे टर्मिनल पी एंड क्यू, ये दोनों अगर टर्मिनल्स हैं तब इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अगर ये पी एंड क्यू के अलावा कोई टर्मिनल होता, जैसे अगर टर्मिनल हो जाता ए एंड बी, एक डायग्राम में ध्यान दो, अगर टर्मिनल ए एंड बी हो जाता तो ए एंड बी के अक्रॉस अगर इसको कनेक्ट करते सर्किट में, तब तो एक सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता। ये विजुलाइज कर रहे हो ना कि अगर ए और बी टर्मिनल होता तब तो ये R1 R3 सीरीज में आ जाता, R2 R4 सीरीज में आ जाता और R0 अकेला बच जाता, और फिर ये तीनों आपस में पैरेलल में होते। समझ में आ रहा है? तो ऐसे पांच रेजिस्टर्स का नेटवर्क को व्हीटस्टोन ब्रिज हम तब बोलते हैं जब टर्मिनल्स इस तरह से हैं।
टर्मिनल्स इस तरह की, जो जो टर्मिनल्स है वहां टर्मिनल से दो ही रेजिस्टेंस निकल रहा है, ए और बी जो है ये रेजिस्टेंस, ये जो टर्मिनल्स हैं इनसे तीन तीन रेजिस्टेंस निकल रहा है, तो दो दो रेजिस्टेंस जहां से निकल रहे हैं वो दोनों टर्मिनल्स होने चाहिए, तो अब दैट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। और व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क का बैलेंस कंडीशन होता है, बैलेंस्ड कंडीशन, कि बैलेंस्ड कब होता है कंडीशन, तो बैलेंस कंडीशन होता है जब डायगोनली अपोजिट रेजिस्टेंसेस के प्रोडक्ट्स बराबर होते हैं। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस मैंने दिखा रखा है उसमें ये बन जाएगा कि R1 into R4, ये और ये डायगोनली अपोजिट है, तो R1 into R4 is equals to ये और ये डायगोनली अपोजिट है, तो R2 into R3 ये बन जाएगा, तो इसको बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। और बैलेंस कंडीशन में होता क्या है, तो बैलेंस कंडीशन के अंदर वी ए इक्वल टू वी बी होता है इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो VA इक्वल टू VB होता है, और इस कारण से R नॉट में कोई करंट नहीं जाएगा, तो R नॉट इज रिमूव्ड, R नॉट को हम रिमूव कर देते हैं सर्किट से, रिमूव फ्रॉम सर्किट, और R नॉट सर्किट से रिमूव होता है, उसके बाद ये सिंपल सीरीज पैरेलल बन जाता है। R नॉट अगर रिमूव हो जाएगा तो विजुलाइज कर सकते हो R1 R2 सीरीज में आ जाएगा, R3 R4 सीरीज में आ जाएगा, और वो दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो इस तरह के नेटवर्क को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे बच्चे क्या करते हैं बहुत सारा टाइम खराब करते रहते हैं सिमेट्रिकल सर्किट्स के ऊपर, तो देखोगे तो आज मैं जो डिस्कशन करूंगा इसमें सिमेट्रिकल सर्किट का एक भी क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आया ही नहीं है मेंस में, तो सिमेट्रिकल सर्किट्स वाले क्वेश्चन नहीं आते। इसमें होता है ना बहुत 10-15-20-20 रजिस्टर के नेटवर्क लड़के बच्चे बना के सॉल्व करते रहते हैं, बट वो एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में बहुत ज्यादा जो पूछते हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज पूछते हैं, या तो सीरीज पैरेलल पूछते हैं या व्हीटस्टोन ब्रिज पूछते हैं, या फिर केवीएल केसीएल वाले सर्किट्स पूछते हैं। तो बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल सर्किट्स करने की जरूरत नहीं है, वो तो आते ही नहीं एग्जाम, उसमें टाइम नहीं खराब करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इस बार भी अगर देखोगे तो इस साल के जेईई मेन में भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन है, इसको देखो, वो रखा है कि साइक्लिक ऑर्डर में, ये रेजिस्टेंस है साइक्लिक ऑर्डर में। अच्छा, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये होगा कि जो हमने ऊपर बना रखा है इसी में एक ही सेंस में जाओगे। तो यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं तो ये बेसिकली आर वन 15 है, ये 12 है साइक्लिक ऑर्डर, ये 4 है और ये 10 है, ये है। तो बोल रखे ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क है, बीच वाला भी एक रेजिस्टेंस होगा, उसकी जरूरत खैर नहीं पड़ती है बैलेंस कंडीशन के अंदर। तो बोल रखा है कि अभी ये बैलेंस नहीं, अभी अगर देखो तो प्रोडक्ट बराबर आ रहा है क्या, 15 इंटू 4 करोगे तो कितना आता है, 15 इंटू 4 60 होता है ना, 15 इंटू 4 ये 60 है, और 12 इंटू 10 तो 120 है, तो ये अभी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए बोल रखा है कि ये 10 ओम के साथ हमें और क्या रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना है 10 ओम के साथ, सो दैट ये बैलेंस हो जाए। तो अगर मैं यहां पे जो 10 ओम रखा है उसके बजाय लेट्स से हमने अगर बैलेंस कंडीशन के लिए यहां पे R होता, तो R की वैल्यू कैसे निकालते, तो 15 इंटू 4 डायगोनली अपोजिट हो गए इज इक्वल टू 12 इंटू R, ये हम बना लेते हैं। तो यहां से R की वैल्यू क्या आ रही है, 15 इंटू 4 ये 60 हो जाएगा, अपॉन 12 करेंगे तो R की वैल्यू आ रही है 5 ओम, कि अगर ये 10 ओम के बजाय 5 ओम होता तो फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता। अब 10 ओम को 5 ओम कैसे बनाएंगे, पैरेलल में हमें एक रेजिस्टर कनेक्ट करना है, तो पैरेलल में 10 ही ओम का कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 10 और 10 अगर पैरेलल में है तो मिलके 5 हो जाएगा, इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो जितने रेजिस्टेंस होते हैं उतना अपॉन उतना हो जाता है, जैसे अगर 10-10 के दो पैरेलल में है तो वो 10/2 हो जाएगा। तो यहां पर हमें अगर 5 करना है तो पैरेलल में हम क्या करेंगे, 1 और 10 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल 10 ओम का कनेक्ट कर लेंगे, तो ये 10 ओम और जो पहले वाला 10 ओम था ये दोनों पैरेलल में मिल जाएगा और फिर 5 ओम हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें दैट इज 10 ओम्स, तो इसलिए आंसर इसका 10 ओम्स है। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिक पावर यानी कि हम रजिस्टर में तो रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करता है, पावर कंज्यूम्ड बाई रजिस्टर, कंज्यूम्ड बाई रजिस्टर, रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करता है, तो उसके लिए होता है रजिस्टर के लिए पावर के लिए पावर, या तो हम आई स्क्वायर आर यूज कर लें पावर के लिए तो ये भी ठीक है, या फिर हम वी स्क्वायर अपॉन आर यूज कर लें, या तो हम वी इंटू आई यूज कर लें, ये तीनों ही तरीके से हम पावर ऑफ रजिस्टर निकाल सकते हैं। वी इक्वल टू आई आर वाला रिजल्ट से एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएगा ये, तो तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जनरली हम आई स्क्वायर आर यूज करते हैं या वी स्क्वायर बाई आर, ये दोनों में से कोई यूज करते हैं रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर हीट डिसिपेशन पूछा है, हीट डिसिपेशन इन टाइम टी टाइम में हीट डिसिपेशन कितना होगा, तो ये तो पावर है, पावर तो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट होता है, तो अगर हीट डिसिपेशन टाइम टी में निकालना है तो ये इंटीग्रल ऑफ पी डी टी हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ पी डी टी, और ये क्या आएगा, तो ये इंटीग्रल ऑफ
आई स्क्वायर आर डी टी। और अगर इसमें करंट कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है, जनरली डीसी सर्किट्स में तो करंट कांस्टेंट वाला ही केस होता है, तो अगर करंट इज कांस्टेंट, कैपेसिटर्स वाले चैप्टर में फिर थोड़ा वेरिएबल करंट होता है, अगर कांस्टेंट करंट है तब तो हीट डिसिपेशन का आ जाएगा आई स्क्वायर आर, और इनटू आई स्क्वायर आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ टी हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ टी हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डीटी ये बन जाएगा टी आई स्क्वायर आर इनटू टी। तो पावर और हीट दो अलग अलग चीजें हैं। पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट होता है वाट, पावर का यूनिट वाट होता है। हीट का यूनिट क्या होता है? तो हीट का यूनिट जूल होता है, हीट का यूनिट जूल, या फिर एक और कॉमन हीट होता है किलो वाट आवर, किलो वाट आवर, हीट का यूनिट किलो वाट आवर। इसी यूनिट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, घर पे जो बिल आता है, ये होता है ना कि 20 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स बिजली कंज्यूम किया, उसका मतलब 100 किलो वाट आवर। तो 100 किलो वाट आवर को जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 100 किलो वाट आवर का मतलब ये होता है कि अगर एक किलो वाट का अप्लायंस एक घंटे तक चलेगा तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितना पावर एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ये किलो है तो किलो को पहले 10 टू द पावर 3 कर दूंगा तो ये वाट हो जाएगा, और इंटू वन आवर, तो वन आवर को फिर मैं 60 × 60 कर दूंगा तो ये सेकंड्स में आ जाएगा, तो ये जूल्स में बन जाएगा। किलो वाट आवर को जूल में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स वगैरह हैं। रेजिस्टेंस में पावर का डिस्कशन करने के लिए हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। तो एक ये क्वेश्चन देखो, पावर के ऊपर है, पावर कंज्यूम बाय द नेटवर्क दे रखा है। अच्छा, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस और पूरे नेटवर्क का पावर कंज्यूम करना है, तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसे रेजिस्टेंस के नेटवर्क में पावर अगर कंज्यूम निकालना है तो एक तरीका है कि हम सारे रेजिस्टेंस में इंडिविजुअली पावर कंज्यूम निकालें, एक तरीका है कि हम आर इक्विवेलेंट में पावर कंज्यूम निकाल लें। तो ये कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट में पावर कंज्यूम यूज कर सकते हैं, कि आर इक्विवेलेंट कैन बी यूज्ड, कि ये पूरा नेटवर्क, ये सारे रेजिस्टेंस मिला के जो पावर कंज्यूम करेंगे, सारे रेजिस्टेंसेस इंडिविजुअली जितना इतना पावर कंज्यूम करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो वो वही आएगा जो कि आर इक्विवेलेंट पावर कंज्यूम करेगा। तो आर इक्विवेलेंट कैन बी यूज्ड, इसको मैं लिख दे रहा हूं, आर इक्विवेलेंट कैन बी यूज्ड फॉर पावर कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन आर इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं। अब यहां पे आर इक्विवेलेंट क्या होगा? तो पहले 6R और 12R, ये देखो 6R और 12R, ये दोनों का मिला के कितना होगा? तो ये दोनों पैरेलल में। अच्छा, ये सब एग्जाम में थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करना है, बहुत ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। तो 6R और 12R, तो 6 × 12 / 6 + 12, ठीक है, 6 × 12 / 6 + 12, तो 6 + 12 नीचे में 18 होगा, तो 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा 3, तो 12/3 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4R। इस फिर से सोचो, 6 × 12 / 18 हो जाएगा, तो बेसिकली 6 × 12 / 18 72/12, या फिर 72/18, तो ये 4 आ जाएगा। और फिर ये 4R और 4R मिलके पैरेलल में, तो ये तो सिंपली 2R हो जाएगा, और ये 2R, 4R और R ये सीरीज में सारे, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट आ जा रहा है 8R। तो ये 8R वाला टोटल पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, वो दे रखा है कि वो 4R है, पावर कंज्यूम बाय द नेटवर्क। तो नेटवर्क कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए R इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। और फिर इस R इक्विवेलेंट के अक्रॉस ये 16 वोल्ट है, तो बेसिकली पावर के लिए हम V² / R इक्विवेलेंट यूज कर लेंगे, और हमें दे रखा है पावर 4 दे रखा है, इज इक्वल्स टू V², तो V है 16, तो 16 × 16 / R इक्विवेलेंट की जगह 8R कर लिया। तो यहां से R पूछा था, वैल्यू ऑफ R, तो R कितना आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 times, और ये कैंसिल हो जाएगा 4 times, तो R की वैल्यू आ रही है 8 ohm, 8 आ रहा है, तो यहां फिर आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर का ही डिस्कशन करते हैं, एक बल्ब्स का ही डिस्कशन करते हैं, बल्ब्स का डिस्कशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो दो बल्ब्स दे रखा है, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है। अच्छा, बल्ब में जो दोनों चीजें दे रखी है, एक होता है रेटेड पावर, वॉटेज जो है दैट इज रेटेड पावर, और एक है रेटेड वोल्टेज, और ये दोनों यूज करके हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं। जैसे बल्ब वन है, तो बल्ब वन का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? तो रेजिस्टेंस, जैसे पावर और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? पी होता है V² / R। तो रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको रेटेड वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा तो ये रेटेड पावर कंज्यूम करेगा, यानी ये वाला बल्ब 220 वोल्ट के अगर क्रॉस कनेक्ट करूंगा तो ये 25 वॉट कंज्यूम करेगा। तो किसी भी एक वोल्टेज के लिए अगर पावर पता है तो वहां से रेजिस्टेंस आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू V² / R यूज करेंगे तो R हो जाएगा V² / P, तो ये आ जाएगा 220 × 220 / 25, ये आ जाएगा ओम में। वैसे B2 अगर देखोगे तो B2 का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ये ऊपर तो यही है 220 × 220, और अपॉन नीचे में आ जाएगा, इसका है 100 वॉट, तो ये 100 ये ओम आ जाएगा।
और इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, 220 वोल्ट के अक्रॉस सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर इंडिविजुअली पावर निकालना है। तो अब जो पावर ये बल्ब जो पावर कंज्यूम करेंगे ना, वो अब इनके रेटेड पावर नहीं होंगे, बिकॉज रेटेड पावर कब कंज्यूम करता है बल्ब, जब 220 वोल्ट रहता है उसके अक्रॉस। लेकिन अगर मैंने इन दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट के अक्रॉस, तो दोनों के अक्रॉस इंडिविजुअल वोल्टेज तो 220 से कम कम रहेगा, ये समझ में आ रहा है ना, दोनों का मिला के 220 है वोल्टेज, तो इंडिविजुअल के अक्रॉस तो कम कम रहेगा। तो अब जो पावर कंज्यूम करेगा वो रेटेड पावर नहीं कंज्यूम करेगा, कुछ और करेगा, वो कितना करेगा वही हम निकाल रहे हैं। तो वो निकालने के लिए पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर वन प्लस आर टू, और ये करके फिर हम करंट निकाल लेंगे। तो करंट हो जाएगा 220 अपॉन आर वन प्लस आर टू, और ये करंट आ गया। तो अब जो बल्ब पावर कंज्यूम करेगा, तो पी वन हो जाएगा आई स्क्वायर, जो आई हमने निकाल लिया, और इंटू आर वन, और पी टू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर टू। तो ये कैलकुलेशन कर लोगे तो इससे आंसर आएगा कितना कितना पावर कंज्यूम करेगा ये, ठीक है। अच्छा, अगर बोलता कि पैरेलल में कनेक्ट करते, अगर कनेक्शन पैरेलल में होता, जैसे ये 220 वोल्टेज का सोर्स है, अगर मैं इन दोनों बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देता, तब पूछा था कि कितना कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के कारण तो ये 220 वोल्ट पूरा का पूरा दोनों बल्ब्स के अक्रॉस आ जाता, तो दोनों बल्ब्स अपने रेटेड वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड हैं, तो अपना रेटेड पावर कंज्यूम करते, यानी कि फिर बल्ब वन कंज्यूम करता 25 वाट और बल्ब टू कंज्यूम करता 100 वाट। पैरेलल वाला ये होता, सीरीज वाला में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पैरेलल वाला तो ईजी होता। तो यहां पे मैं राइट में लिख भी देता हूं कि अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सोर्स, अक्रॉस 220 वोल्ट्स सोर्स, तब पावर वन हो जाता 25 वाट और पावर टू हो जाता 100 वाट, क्योंकि ये दोनों ही अपने रेटेड वोल्टेज का क्रॉस कनेक्टेड है, तो रेटेड वोल्टेज का क्रॉस कनेक्टेड होने पे रेटेड पावर कंज्यूम करते हैं बल्ब्स। तो बल्ब्स पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हमें एनालिसिस करना है उसका। एक ये देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो, तो एक बोल रखा है कि एक बिल्डिंग में इतने सारे अप्लायंस हैं, 15 बल्ब है 45 वाट के, 15 बल्ब है 100 वाट के, 15 फैन है 10 वाट का, और दो हीटर है 1 किलो वाट का, और वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो फ्यूज की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। तो फ्यूज की कैपेसिटी का मतलब यह होता है कि हमें किस करंट के लिए फ्यूज को डिजाइन करना है, कि हम ये चाहते हैं ना कि उससे ज्यादा अगर फ्यूज में करंट फ्लो करे तो वो फ्यूज मेल्ट हो जाए और कनेक्शन कट जाए। तो ये देख लेते हैं कि अगर मैं सारे अप्लायंस चलाऊंगा तो भी मैं कितना करंट ड्रॉ करूंगा सर्किट से, तो सारा टोटल पावर निकाल देते हैं, पावर टोटल, टोटल पावर। तो टोटल पावर में क्या करोगे, सबको हमने चला दिया, तो सबको चला दिया तो कितना पावर हमें चाहिए होगा, पावर, तो पावर हो जाएगा 15, तो इसमें सबको बस मल्टीप्लाई कर दो 15 × 45, ये बल्ब्स जो 45 वाट के वो कंज्यूम करेंगे, प्लस 15 × 100 और प्लस 15 × 10 और प्लस 2 × 1000 किलोवाट है, तो इतना टोटल पावर कंज्यूम होगा अगर हम सारे अप्लायंस चला देंगे तो, और इसके करस्पॉन्डिंग करंट कितना होगा, तो फिर हम ये यूज कर लेंगे, पावर इज इक्वल टू वी इन टू आई, तो यहां से करंट आ जाएगा, और इसमें करंट अगर करोगे तो ये पावर टोटल जो निकाल रखा है ना अपॉन 220 कर दोगे, तो ये करके देखोगे तो ये लगभग आई थिंक 19.6 आ जाएगा, 19.6 एम्पियर आ जाएगा। जिसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं सारे अप्लायंसेज ऑन कर दूंगा तो भी मुझे 19.6 एम्पियर करंट चाहिए, तो फिर फ्यूज वायर को इससे जस्ट ज्यादा करंट के लिए हम डिजाइन कर देंगे, तो इससे ज्यादा होना चाहिए, तो इससे ज्यादा होना चाहिए, और सबसे कम जो दिख रहा है, तो इससे ज्यादा एक तो ये 20 एम्पियर वाला दिख रहा है और एक 25 एम्पियर वाला दिख रहा है, इससे कम में डिजाइन नहीं करेंगे, बिकॉज इससे अगर कम डिजाइन कर देंगे, मान लो अगर मैं 10 एम्पियर पर डिजाइन कर दिया, तब तो मैं सारे अप्लायंस चला ही नहीं पाऊंगा कभी, बिकॉज जैसे ही 10 एम्पियर होगा ये फ्यूज कर जाएगा, तो इससे ज्यादा होना चाहिए, और इसके ज्यादा सबसे कम, सबसे पास जो होगा आंसर, तो सबसे पास आंसर 20 दिख रहा है, ज्यादा में सबसे पास, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं सेल्स का, सेल। तो एक सेल्स में मैंने कुछ डायग्राम पहले बना के रखा है, तो ये आइडियल सेल है, आइडियल सेल ये होता है जिसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो काफी बार सर्किट्स में सिर्फ वोल्टेज दिया रहता है, जैसे 10 वोल्ट का सेल दे दिया, तो हमें ये मानना है कि उसके क्रॉस कोई भी, उसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस केस में तो पोटेंशियल अक्रॉस द, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, यानी कि टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको अगर मैं VA माइनस VB बोल रहा हूं, तो ये फिर जो भी इसका वोल्टेज दे रखा होता है उसको अगर मैं EMF बोल रहा हूं, तो E के बराबर हो जाएगा।
अच्छा, सेल सोर्स और लोड दोनों की तरह काम कर सकता है सर्किट में। तो जो अगर सोर्स की तरह काम कर रहा है तो फिर इस केस में ये पावर सप्लाई करता है, और कितना पावर सप्लाई करता है तो E into I। अगर ये लोड की तरह काम कर रहा है तो ये पावर कंज्यूम करता है, कितना कंज्यूम करता है तो E into I, और कंज्यूम करता है एक तरह से वो बैटरी चार्ज हो रहा होता है। रियल सेल एक्चुअली में होता है तो उसमें EMF के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, तो यहां EMF है और R इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इस केस में इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, तो वो EMF के बराबर नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि कैसा कनेक्शन है उस सेल का। तो उसमें फिर कुछ केसेस दिखा रखा है, एक दिखा रखा है कि सेल इन ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, तब हम बोलते हैं कि ये सेल ओपन सर्किट में। तो इस केस में अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तब फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ये फिर EMF के बराबर होता है। अगर करंट फ्लो कर रहा है यानी कि अगर ये सर्किट में है तो फिर दो केसेस बनते हैं, एक बनता है सेल वर्किंग एज अ सोर्स, जो कि फर्स्ट केस मैंने यहां दिखा रखा है। तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द टर्मिनल्स ये होता है ई माइनस आई आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स होता है ई माइनस आई आर। अगर लोड की तरह काम करता है तब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स तो ये होता है ई प्लस आई आर। अच्छा, इसमें भी पोटेंशियल ज्यादा किसका होता है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसी का पोटेंशियल ज्यादा होता है। दोनों ही केसेस में, सोर्स की तरह काम करे या लोड की तरह काम करे, दोनों ही केसेस में पॉजिटिव टर्मिनल का ही पोटेंशियल ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है तो वो वेरी करता है, अगर वो सोर्स की तरह काम कर रहा है तो ई माइनस आई आर, अगर लोड की तरह काम कर रहा है तो ई प्लस आई आर। लेकिन दोनों ही केस में ज्यादा जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है वही हायर पोटेंशियल पे होता है। शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन में, तो शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन का मतलब ये होता है कि हमने एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और जीरो इसलिए हो रहा होगा बिकॉज इसमें एक करंट फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा, तो इस केस में करंट फ्लो करेगा ई अपॉन आर, बिकॉज इस पूरे लूप में रेजिस्टेंस आ रही है। तो फिर अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो एक तरह से ये शॉर्ट सर्किट करने के बावजूद इससे करंट तो फ्लो ही कर ही रहा है, तो ई माइनस आई आर करोगे, और आई आर आर अगर आई के वैल्यू ई बाई आर डालोगे तो ई बाई आर इंटू आर वो भी आ जाएगा, तो ई माइनस ई जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल जीरो होता है। पावर की अगर बात करें तो अगर ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तब तो ना ही कोई पावर सप्लाई कर रहा ना ही कंज्यूम कर रहा है। अगर सोर्स की तरह काम कर रहा है तो ये जो पावर सप्लाई करता है इसमें ये E into I ये होता है जिस रेट से इसकी केमिकल एनर्जी घट रही है, लेकिन जो पावर सप्लाई टू द एक्सटर्नल सर्किट होता है उसमें आई स्क्वायर आर फिर हम माइनस करते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर आर वाला टर्म ये तो सेल के अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वही पावर कंज्यूम कर ले रहा है, तो E into I माइनस आई स्क्वायर आर ये एक्सटर्नल सर्किट में पावर डिलीवर करता है सोर्स। मैं यहां पे एक लाइन खींच दे रहा हूं, वर्किंग एज लोड वाले केस में ये पावर कंज्यूम करता है, और पावर कितना कंज्यूम करता है तो ये बन जाता है E into I, इस रेट से बैटरी की केमिकल एनर्जी बढ़ती है, बैटरी चार्ज होता है, और साथ साथ इसमें हीट डिसिपेशन होता है वो हो जाता है आई स्क्वायर आर। तो टोटल पावर बैटरी कितना कंज्यूम करेगा तो उसमें ये दोनों टर्म्स आ जाते हैं। शॉर्ट सर्किट वाले केस में तो ये हो रहा है कि ये जो केमिकल एनर्जी खर्च हो रही है वो E into I के रेट से केमिकल एनर्जी खर्च हो रही है, और यही फिर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो रहा है आई स्क्वायर आर। तो इसमें बैटरी केमिकल एनर्जी बैटरी की खर्च हो रही है वो जा कहां रही है, तो बैटरी के ही अंदर हीट डिसिपेशन के फॉर्म में वो एनर्जी पूरी खर्च हो जा रही है। ठीक है, तो ये केसेस हैं सारे बैटरी के, शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो भी उसमें करंट फ्लो करेगा। तो ये ध्यान रखना है। सेल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये देखो, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है कि कोई भी पावर डिलीवर्ड बाय द सेल को हमें मैक्सिमाइज करना है। पावर डिलीवर्ड बाय द सेल मैक्सिमम कब होता है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि कोई भी सेल एक्सटर्नल सर्किट में अगर हम पावर डिलीवर करवा रहे हैं तो मैक्सिमम पावर तब डिलीवर करता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो सेल के, जैसे ऐसा कुछ सर्किट है कि एक हमारे पास ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर और ये सेल है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो फॉर मैक्सिमम पावर पी मैक्स, मैक्सिमम पावर अगर डिलीवर करवाना है तो फिर उसके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, तो ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट पे। अच्छा, ये पी मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो ये पी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर आर, और आई कितना होगा, अगर आर इक्वल टू आर हो गया तो इसमें करंट हो जाएगा ई अपॉन टू आर, ई अपॉन टू आर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आर है तो ई अपॉन टू आर आई स्क्वायर और इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो भी आ रहा है, ये बन जाएगा, तो ये आ जाता है ई स्क्वायर अपॉन फोर आर। ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी सेल मैक्सिमम पावर इतना ही डिलीवर कर सकता है, ई स्क्वायर अपॉन फोर आर, इससे ज्यादा पावर नहीं डिलीवर कर सकता है। दिस इज द मैक्सिमम पावर दैट अ सेल कैन डिलीवर, ई स्क्वायर अपॉन फोर आर।
सेल्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, सेल्स का कॉम्बिनेशन, तो उसमें भी सेल्स में भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सोन, सारे EMF को जोड़ देना होता है। अब इसमें जोड़ते समय प्लस माइनस लिखना होता है डिपेंडिंग ऑन की पोलैरिटी क्या है, तो वो अभी मैं लास्ट में एक साथ लिख दूंगा। और आर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो सारे इंटरनल रेजिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सोन। पैरेलल में अगर करना है तो पैरेलल में ध्यान रखना है फॉर्मूला इक्विवेलेंट होता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 एंड सोन। इन सबको जोड़ना है, अगेन E को प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, और अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस सोन। R इक्विवेलेंट कितना होता है, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस सोन। और इस पूरे डिस्कशन में जो हमने किया है, इसमें हम जो रेजिस्टेंसेस लिखेंगे R1, R2, ये सारे ऑल पॉजिटिव, सबको पॉजिटिव डालेंगे, लेकिन जो EMF डालेंगे E1, E2, ये सारे को हम विथ साइन डालेंगे। विथ साइन, विथ साइन का मतलब है किसी को हम पॉजिटिव डालेंगे, किसी को नेगेटिव डालेंगे, डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी ऑफ कनेक्शन, डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी ऑफ कनेक्शन, जो कनेक्शन है उसकी पोलैरिटी कैसी, कि उस बैटरी के टर्मिनल्स कैसे कनेक्टेड है उस सर्किट में, उससे डिसाइड होता है ये। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, दो सेल्स हैं, दो सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है एक, इसमें अगर देखोगे वैल्यूज तो मैं यहां पे लिख देता हूं। दो सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक है हमारे पास ये 10 वोल्ट का सेल है और ये 40 वोल्ट का सेल है, 10 वोल्ट और 40 वोल्ट का सेल है। तो एक बैटरी अगर निकालेंगे तो उसका इक्विवेलेंट, अच्छा पोलैरिटी कैसी है, इस सर्किट में दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है, अपोजिट है तो फिर हम 40 माइनस 10 कर देंगे, 40 वाला डोमिनेट करेगा, 40 वाला डोमिनेट करेगा, दैट मींस करंट कुछ ऐसा सप्लाई होगा इस सर्किट में, करंट ऐसा सप्लाई होगा 40 माइनस 10, और ये 40 माइनस 10 आ जाएगा 30, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों सेल्स मिला के एक से अगर लगाऊंगा तो उसमें R इक्विवेलेंट में दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो वो 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इस सर्किट में अब करंट कितना फ्लो करेगा, तो ये दोनों सेल को मिला के, बेसिकली ये कि हम इन दोनों सेल को मिला के एक सेल डाल सकते हैं, और वो एक सेल 30 वोल्ट उसका EMF हो जाएगा और 3 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 30 और अपॉन 3 प्लस 15, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 18, यानी कि 5 बाई 3 एम्पियर ये करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल बताना है, तो अब इसमें ये ध्यान देना है कि कौन सा सेल यहां पे सोर्स की तरह काम कर रहा है और कौन सा सेल लोड की तरह काम कर रहा है। तो अगर मैंने मान लो पॉइंट ले, यहां पे ए ले लिया, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, बीच वाले पॉइंट को, राइट वाले पॉइंट को सी ले लेते हैं, राइट वाले पॉइंट को सी लेते हैं, राइट वाला पॉइंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलो अगर नहीं दिख रहा है तो राइट वाला पॉइंट जो है वो बेसिकली मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ओके इसको थोड़ा मैं, बट अभी मैं लिख चुका हूं, चलो वो बेसिकली हमने क्या किया ना कि जो बैटरी E2 वाला बैटरी है उसके राइट वाले पॉइंट को मैं सी लिख रहा हूं। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिख रहे हैं यहां पे अलग अलग एलिमेंट्स के अक्रॉस, दो अलग अलग बैटरी के अक्रॉस, तो जो राइट वाला बैटरी E2 वाला बैटरी है तो E2 वाले बैटरी के लिए राइट वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होगा, तो VC माइनस VB, और ये कितना होगा, तो वो सोर्स की तरह काम कर रहा है तो हो जाएगा उसका E2 माइनस I R2, ये बन जाएगा, सोर्स की तरह काम कर रहा है। E1 वाला जो बैटरी है ये लोड की तरह काम कर रहा है, लोड की तरह काम कर रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है, तो अगर किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तब वो सोर्स की तरह काम करता है, अगर एंटर करता है तब वो लोड की तरह काम करता है। तो E1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में फिर से इसका पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होगा, दैट मींस VA ज्यादा होगा, तो VA माइनस VB ये लिखेंगे, VA माइनस VB, और ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा E प्लस IR, तो E1 प्लस I R1, ये बात समझ में आ रही है। यहां पे E1 जो है दैट इज वर्किंग एज अ लोड और E2 इज वर्किंग एज अ सोर्स, तो दोनों ही बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ही हायर पोटेंशियल पे होगा, लेकिन कितना हायर होगा, तो वो जो सोर्स की तरह काम कर रहा है उसके लिए E माइनस IR होगा और जो लोड की तरह काम कर रहा है उसके लिए E प्लस IR होगा,
ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन बैटरीज के दो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है। अगर मैं इसको थोड़ा बना दूं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैटरीज है, बोथ ऑफ सेम ईएमएफ 10 वोल्ट्स बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक हमारे पास बैटरी कुछ, और अच्छा इसमें कुछ नहीं बोल रखा है, बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैटरीज है, कुछ नहीं मेंशन, तो कुछ नहीं मेंशन है ना, तो फिर हमेशा तुम सेम ही पोलैरिटी का मान लोगे अगर कुछ नहीं मेंशन है। तो यहां पे हम सेम मान रहे हैं, तो सेम पोलैरिटी में दो बैटरीज हैं, ऐसा कुछ है। दोनों का ईएमएफ 10 वोल्ट है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस तो एक है 10 वोल्ट 20 ओम, दूसरा वाला जो है ये 10 वोल्ट ही है और ये 5 ओम है, और इस कॉम्बिनेशन को हमने कनेक्ट किया हुआ है टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स। तो यहां पे हमारे पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इसके अक्रॉस हमने कनेक्ट किया हुआ है इस दोनों सेल्स को, ऐसा कुछ है। और ये पैरेलल रेजिस्टर एक है 30 ओम और दूसरा है आर, और ये हमें आर बताना है, और ये आर बताने के लिए हमें चाहिए क्या, वो रखा है कि वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम ये जीरो हो जाए। ये वाला जो बैटरी है ना 20 ओम वाला, ये वाला बैटरी के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस जीरो चाहते हैं। तो यहां पे तो दोनों बैटरीज की पोलैरिटी सेम ही है, नहीं मेंशन था, सो हम सेम ही लेंगे, तो करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करना है, दैट मींस हमें 10 वोल्ट वाले के क्रॉस ई माइनस आई आर को जीरो करना है, तो उसके लिए करंट कितना होना चाहिए, तो 10 माइनस आई इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 है, ये हमें जीरो चाहिए। तो यहां से करंट की वैल्यू क्या आ रही है, करंट की वैल्यू आ रही है 1/2 एम्पियर। तो इस सर्किट में 1/2 एम्पियर करंट चाहिए। अच्छा 1/2 एम्पियर करंट करने के लिए मान लो मैं इन दोनों का रेजिस्टेंस, ये जो दोनों पैरेलल में अगर इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस मैं आर इक्विवेलेंट ले लूं, तो 1/2 एम्पियर करंट के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं 1/2 करंट है, ये दोनों सेम पोलैरिटी में है, तो 20 हो जाएगा, एक बैटरी जो बनेगा उसका ईएमएफ 20 हो जाएगा, और अपॉन रेजिस्टेंस दोनों का ऐड होकर 25 हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां से क्या बन रहा है, 25 प्लस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 40, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 15 ओम्स, यानी ये 30 ओम और आर का कॉम्बिनेशन जो है ये 15 ओम होना चाहिए। तो उसके लिए आर कितना है, तो अगर एक 30 है और दूसरा में 15 चाहिए, तो 30 और 30 पैरेलल में हो कितना 15 बनेगा, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। तो 30 इज गोइंग टू बी द आंसर, कि 30 और आर ये दोनों पैरेलल में है, तो 30 और आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर 15 दे रहा है, तो आर मस्ट बी 30, ये पूछा गया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बैटरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अच्छा एक तो सबसे पहले ये बात तुम बोलोगे कि ये जो सर्किट है, चूंकि और कुछ नहीं मेंशनड है, तो ये सर्किट में ये दो जो रेजिस्टेंसेज हैं, जैसे ए और डी वाला जो रेजिस्टर है, इसमें भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, और सी और बी वाला जो, इसमें भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि ये किसी बाहर वाले सर्किट से कनेक्टेड ही नहीं है, तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, तो अगर करंट नहीं फ्लो करेगा, तो फिर जो ए का पोटेंशियल होगा वही डी का पोटेंशियल होगा, और जो बी का पोटेंशियल होगा वही सी का पोटेंशियल होगा। तो हमें वी ए माइनस वी बी बताना है, तो मैं बोल रहा हूं कि ए का पोटेंशियल डी के ही बराबर होगा और बी का पोटेंशियल सी के बराबर होगा। क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज जो 5 ओम और 10 ओम वाला रेजिस्टर, उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं। तो वी डी माइनस वी सी फिर आ जाएगा, यहां पे तीन सेल्स है और तीनों सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसको केवीएल केसीएल से भी कर सकते हैं, बट जो आसान रास्ता होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रास्ता होगा। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करें तीनों का, तो फिर ये आ जाएगा एक, और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके जो हमें एक मिलेगा बैटरी, चूंकि वो बैटरी कहीं एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करके जो एक इक्विवेलेंट बैटरी आएगा वो ओपन सर्किट में हो जाएगा, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट के ही बराबर होगा। तो ये इक्विवेलेंट के ही बराबर हो जाएगा, और इक्विवेलेंट कैसा आएगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज का, और तीनों की पोलैरिटी सेम है। तो फिर क्या करना है, E1 by R1, तो 1/1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 ये बनेगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ ऐसे निकालते हैं। तो ये आ जाएगा, ऊपर में हमारे पास 6 है और नीचे में 3 है, तो ये 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वोल्ट, 2 आ जाएगा। और वो 2 इक्विवेलेंट के ही बराबर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो एक
इक्विवेलेंट बैटरी बनेगा वो ओपन सर्किट में रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें ये कंफ्यूज होते हैं कि यहां पे बाहर में तो करंट नहीं जा रहा, चलो ठीक है, लेकिन अंदर में तो करंट फ्लो कर रहा होगा, अंदर में मान लो इन दोनों लूप्स में तो करंट फ्लो कर रहा होगा, तो अभी जो मैंने इक्विवेलेंट निकाला है क्या यह अंदर में जो लूप्स में करंट फ्लो कर रहा होगा उसको अकाउंट में ले रहा होगा? तो इसका आंसर है यस, ये ले रहा होगा उसको अकाउंट में। तो ये इक्विवेलेंट बैटरी बाहर वाले सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। इस इक्विवेलेंट में अंदर वाले जो करंट का सर्कुलेशन हो रहा होगा वो इंक्लूडेड है, वो इंक्लूडेड है, वो तुम केवीएल केसीएल से भी करके देखोगे तो यही आएगा, इंक्लूडेड है वो। अगर इसको बाहर वाले सर्किट से कनेक्ट करते किसी से तो फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो इक्विवेलेंट माइनस आईआर होता, जहां पे आई फिर हो जाता कि वो जो एक अकेला इक्विवेलेंट बैटरी है वो एक्सटर्नल सर्किट को कितना करंट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस हम किरचॉफ लॉज के ऊपर कर लेते हैं। तो किरचॉफ लॉ में दो लॉज होते हैं, एक होता है करंट लॉ, तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है। सिंपल होता है कि एक जंक्शन से बाहर निकलने वाले सारे करंट्स का समेशन या फिर अंदर आने वाले सारे करंट्स का समेशन जीरो हो जाता है, जो कि बेसिकली जंक्शन पे करंट कंजर्वेशन होता है, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। इसको क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे लगाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि किसी भी जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट्स का समेशन जीरो हो जाएगा। तो यहां पे हमें बताना है कि करंट आई कितना फ्लो कर रहा है, आई की वैल्यू। तो यहां पे एक एंड का पोटेंशियल दे रखा है जीरो, इसका दे रखा है 10 वोल्ट और इसका दे रखा है 20 वोल्ट। अच्छा, इसमें ए और बी ऐसे सर्किट से कहीं कनेक्टेड नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन दोनों का वोल्टेज दे दिया है। तो अगर वोल्टेज दे दिया है दैट मीन्स ये किसी सर्किट का पार्ट है। तो दो तरह से क्वेश्चन होते हैं, जैसे इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें बस एक दे रखा था नेटवर्क, तो उसमें जो दोनों एंड्स थे उसका कुछ भी वोल्टेज वगैरह नहीं दिया था। इस बार दोनों एंड्स पे वोल्टेज दे दिया है, तो अगर वोल्टेज दे दिया है तो ये आया कहां से होगा ये वोल्टेज? तो ये किसी एक्सटर्नल सर्किट के पार्ट रहा होगा। तो ये वाला जो नेटवर्क है ये किसी एक बड़े नेटवर्क का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसमें फिर करंट जैसे यहां पे I1 I2 ये सब करंट दिखा रखा है, आ सकता है, क्योंकि एक बड़ा सर्किट रहा है उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो इसमें अब हम सी पे केवीएल लगा लेंगे। अच्छा, सी पे केवीएल लगाने के लिए हम यहां का पोटेंशियल अननोन है, अगर ये पोटेंशियल पता चल जाएगा तो हमें करंट सारे पता चल जाएंगे। तो ये पोटेंशियल बताने के लिए हम अपनी मर्जी से ये सोचते हैं कि सारे करंट्स बाहर जाता हुआ मान लेते हैं और बाहर जाने वाले करंट्स का समेशन जीरो कर देते हैं, और वो करके फिर वी की वैल्यू आ जाती है, जिससे फिर हमें फाइनली पता चलता है कि करंट सारे में तो करंट बाहर नहीं जा सकता ना, क्योंकि कुछ करंट आएगा कुछ करंट जाएगा, बट शुरू में वी की वैल्यू निकालने के लिए हम बाहर जाने वाले सारे करंट्स मान लेते हैं और उसको V के टर्म्स में इक्वेशन बना के उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, V की वैल्यू। एक बार V आ जाता है तो फिर हमें सारे करंट्स पता चल जाते हैं। तो V निकालने के लिए हम ये मान रहे हैं कि बाहर जाने वाले सारे करंट्स का समेशन जीरो कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे इसमें फिर अगर हम करें तो मैंने अगर बाहर जाने वाले सारे करंट सोचे हैं, तो लेट से जो सी से लेफ्ट की तरफ बाहर जा रहा होगा वो क्या बनेगा, वी माइनस 20 अपॉन 2 ये बन जाएगा वो करंट, प्लस V से जो राइट की तरफ बाहर जा रहा होगा C से वो बन जाएगा V माइनस 10 अपॉन 4 और प्लस जो नीचे जा रहा होगा वो बन जाएगा V माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। और ये आके फिर V की वैल्यू आए, तो सॉल्व करने के लिए क्या करूं कि लेट से अगर हमने 4 एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा 2V माइनस 40 प्लस V माइनस 10 और प्लस 2V इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। तो ये बन रहा है हमारे पास 5V इज इक्वल टू 50। तो यहां से V की वैल्यू आ रही है 10, V की वैल्यू 10 आ गई, ये 10 आ गया। अब ये 10 आ गया तो सारे करंट्स मिल जाएंगे, डायरेक्शन के साथ मिल जाएंगे। तो पहले तो हमने V निकालने के लिए सारे करंट्स बाहर मांगे माने हैं, एक्चुअली में करंट किधर जा रहा है वो तो वोल्टेज आने के बाद पता चल जाएगा। तो देखो कितना होगा, तो अगर मैं 2 ओम पे कंसीडर करूं, लेफ्ट वाला 2 ओम, तो इस पे लेफ्ट में 20 है राइट में 10 है, तो करंट इधर आ रहा होगा, यानी कि I1 का डायरेक्शन सही दिखा रखा है। और ये कितना होगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 10 है तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 यानी कि 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, I2 जो दिखा रखा है 4 ओम वाले में उसमें 10 वोल्ट करंट जीरो हो जाएगा बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस जीरो दिख रहा है। और इसमें अगर देखोगे नीचे वाले ब्रांच में, तो इसमें ऊपर में V और नीचे में जीरो है, अर्थिंग का रखा है तो जीरो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो इसमें भी जो करंट फ्लो करेगा वो भी 5 एम्पियर फ्लो करेगा 10 अपॉन 2। तो इसमें करंट I पूछा था यही नीचे वाला करंट, तो ये 5 एम्पियर आ गया और नीचे की तरफ ही फ्लो कर रहा है बिकॉज हमने जो V निकाला इसमें ऊपर की तरफ V आ गया 10 और नीचे 0 आ गया। अच्छा, इसमें अगर करंट उल्टा दिखा रखा होता तो आंसर में फिर एक माइनस साइन आ जाता, अभी तो पॉजिटिव ही आ रहा है। चलो किरचॉफ लॉ का एक केवीएल देखते हैं। केवीएल
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दो लॉ होते हैं किरचॉफ्स के, एक करंट लॉ और एक वोल्टेज लॉ। तो देखिए, देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये बोलता है अलजेब्रिक समेशन ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो, यानी कि किसी भी लूप में अगर हम घूमेंगे तो सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंजेस होंगे उनको अगर मैं ऐड करूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ये वाला सर्किट ले लेते हैं। इस वाले सर्किट में अगर हमें करंट बताना है और बैटरीज का अगर देखोगे तो ये दे रखा है, ये 9 वोल्ट का बैटरी है E1 और E2 है 6 वोल्ट का बैटरी है। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर करंट निकालना है तो या तो एक तरीका है कि मैं सेल्स का कॉम्बिनेशन यूज कर लूं, एक ही लूप है तो सेल्स का कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, या एक तरीका है कि मैं इसमें करंट का सर्कुलेशन ऐसा मान लूं आई और फिर हम केवीएल लगा लें। तो अगर मैंने इस डायरेक्शन में करंट माना है तो करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है। अब केवीएल कैसे लगाऊंगा, तो किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर जाऊंगा। तो मान लो मैंने ये सेल जो लेफ्ट वाला सेल है इसके नीचे वाले पॉइंट से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो केवीएल इक्वेशन कैसे बनेगा कि पहले हम बैटरी को क्रॉस करेंगे, अब बैटरी को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्रॉस कर रहे हैं तो आ जाएगा 9। फिर अगला रेजिस्टेंस को क्रॉस करें, तो रेजिस्टेंस में अगर हम करंट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ, करंट अगर आई हमने माना है तो माइनस ऑफ 2i। फिर आगे जाएंगे तो बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्न, तो माइनस 6 कर देंगे और यहां पे फिर आ जाएगा माइनस ऑफ 4i, फिर से करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं इज इक्वल्स टू 0। तो यह आ जाएगा 9 माइनस 6 ये 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6i। तो यहां से करंट की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एम्पियर्स, ये करंट आ जाएगा। और उसके अलावा बाकी चीजें तो फिर कर ही सकते हो, जैसे करंट इन द सर्किट ये पता चल गया, पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टर, तो दोनों रजिस्टर के लिए आई स्क्वायर आर पावर डिसिपेटेड हो जाएगा, आई आ गया है। पावर डिलीवर्ड बाय ईच बैटरी, तो यहां पे अगर देखोगे तो ये वाला जो है ये वाला बैटरी ये तो सोर्स की तरह काम कर रहा है बिकॉज ये पावर डिलीवर कर रहा होगा, करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, बट जो दूसरा वाला बैटरी देखोगे ना तो ये लोड की तरह काम कर रहा है, तो इसका पावर डिलीवर्ड नेगेटिव आएगा, यानी कि ये पावर कंज्यूम कर रहा होगा। कितना हो जाएगा, तो पावर डिलीवर्ड उसका आ जाएगा माइनस, पावर डिलीवर्ड अगर पूछा जाए तो नेगेटिव के साथ हम रिपोर्ट करेंगे, तो माइनस ऑफ E into I। आइडियल बैटरीज हैं, कुछ नहीं बोल रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो आइडियल बैटरी मानेंगे। तो E1 वाला बैटरी E1 into I पावर सप्लाई करेगा, E2 वाला बैटरी E2 into I पावर कंज्यूम करेगा। एक ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट द सेल्स हैव जीरो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दे रखा है R1 R2 की, सेल्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं, R1 R2 का रेजिस्टेंस दे रखा है। अच्छा, इसमें काफी सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में सीधा केवीएल कैसे लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे सर्किट्स में सबसे पहले अप्रोच तो ये होना चाहिए कि डायरेक्टली नोट्स पे वोल्टेज लिख लिख के ही हो सकता है सर्किट सॉल्व हो जाए, तो पहला अटेम्प्ट ऐसे ही लेना चाहिए। तो यहां पे हम क्या अटेम्प्ट लेंगे कि किसी भी एक जगह का जीरो मान लिया, लेट्स से मान लो मैंने ये लेफ्ट वाले पॉइंट का जीरो मान लिया पोटेंशियल, तो फिर इस वाले पॉइंट का 10 हो जाएगा और इस वाले पॉइंट का फिर से जीरो हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं कि मैं लेफ्ट वाले जीरो से राइट की तरफ जा रहा हूं तो बैटरी को क्रॉस कर रहा हूं तो 10 बढ़ जाएगा पोटेंशियल, और फिर उस बैटरी से फिर से राइट में जा रहा हूं तो आप बैटरी को क्रॉस कर रहा हूं तो 10 घट जाएगा बिकॉज 10 वोल्ट राइट वाले बैटरी का भी पोटेंशियल है। अब ऊपर वाले पॉइंट इसका जीरो हो जाएगा, यहां पे भी जीरो और यहां पे भी जीरो, क्यों जीरो लिख रहे हैं, बिकॉज जीरो रेजिस्टेंस वायर्स के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, तो ये 0-0 बन गया। अब तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया ना सर्किट, कि अगर R2 में देखोगे तो R2 में कोई करंट नहीं होगा, I2 0 होगा क्योंकि R2 के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। R1 अगर देखोगे तो R1 में जो करंट फ्लो करेगा वो नीचे 10 है और ऊपर 0 है, तो ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो करेगा और कितना फ्लो करेगा, तो 10 है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 20, तो ये करंट ऊपर फ्लो करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, R1 और R2 में, तो R1 में आ रहा है 0.5 और R2 में 0 आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवीएल केसल की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो डायरेक्टली नोडल एनालिसिस से ही सॉल्व हो गया। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि डायरेक्टली केवीएल केसल लगाने के पहले ये अटेम्प्ट कर लेना है कि ऐसा तो नहीं है ना कि इस सर्किट में हम डायरेक्टली ही सारे पॉइंट्स के वोल्टेज लिख पा रहे हैं, तब तो डायरेक्टली ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक ये वाला देखो, ये सर्किट, अब इस सर्किट में सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे, इस सर्किट में सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल डायरेक्टली हम नहीं लिख पाएंगे। कि अगर मान लो तुम लिखने की कोशिश करोगे किसी भी एक पॉइंट का जीरो मान लो, तो अगर यहां पे जीरो मान लोगे तो फिर अब आगे हर तरफ रजिस्टर है तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अब केवीएल या केसीएल लगाना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, तो मैं एक तरीके से करता हूं, दूसरा तरीके से तुम कर लेना। तो लेट्स से मैं केवीएल से करता हूं, केसीएल से करता हूं,
केसीएल ज्यादा आसान होता है, उसमें एक ही क्वेश्चन में काम बन जाता है। अच्छा केसीएल से अगर कर रहा हूं ना, तो उसमें जैसे ये वाला ब्रांच है, ये जो लेफ्ट वाला ब्रांच है, तो इस लेफ्ट वाले ब्रांच में तुम इंटरचेंज कर सकते हो बैटरीज और रजिस्टर्स के पोजीशन को। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मैंने इस सर्किट को थोड़ा रीड्रॉ किया, तो मान लो ए वाला पॉइंट ऊपर है, नीचे में R2 है, तो R2 कितना रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम है, तो ये 2 ओम बना लिया, और यहाँ पे नीचे एक बैटरी है, इसका वोल्टेज कितना है, E2 है, E2 दिखा रखा है, ये 4 वोल्ट का बैटरी है। अब अगर मैं लेफ्ट में आऊँ, तो लेफ्ट वाला जो ब्रांच है ना, इस ब्रांच में हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस जो R1 ऊपर में और नीचे में, उसको एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, ये अब कर सकते हैं कि इकट्ठा कर लिया इकट्ठा कर लिया रेजिस्टेंस कर लिया, एक ब्रांच के रेजिस्टेंस को इकट्ठा कर सकते हैं, बैटरी के दोनों तरफ है तो भी उनको मिला के सर्किट सॉल्विंग के लिए एक ही साथ कर सकते हैं। तो R1 R1 सीरीज में आ जाएगा, तो R1 है 1, तो सीरीज में ये 2 बन जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और एक बैटरी फिर ये वाला है, ये बैटरी कितने वोल्ट का है, E1 है, ये E1 कितना दे रखा है, E1 2 वोल्ट है। वैसे ही राइट में भी हम ये कर सकते हैं कि जो R1 R1 दोनों है उनको इकट्ठा करके एक बना लिया, तो R1 है 1, तो 1 और 1 सीरीज में आके ये 2 हो जाएगा, और फिर E3 ये कितना दे रखा है, E3 4 वोल्ट है ये। अब हमें पोटेंशियल यहां का, अगर हमने जीरो ले लिया, यहां का पोटेंशियल जीरो ले लिया, तो यहां जीरो हो जाएगा, यहां जीरो हो जाएगा, यहां का अननोन है V, अगर ये V पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां पे V है, तो यहां पे V, यहां पे V। अच्छा नीचे में अगर जीरो है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल फिर 2 हो जाएगा, बैटरी को क्रॉस कर रहा हूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल 4 हो जाएगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 4 हो जाएगा। तो ये V निकालने के लिए हम इस वाले जंक्शन पे केसीएल लगा देते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट कंजर्वेशन, और फिर से हम यही माने कि बाहर जाने वाले करंट्स का समेशन जीरो कर देंगे। तो लेफ्ट में जो बाहर की तरफ करंट जाएगा, एक्चुअली में सारे बाहर नहीं जाएंगे, बट शुरू में V की वैल्यू निकालने के लिए हम सारे बाहर जाता हुआ मान लेंगे, एक बार V की वैल्यू आ गई तो फिर हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में करंट किधर किधर जा रहा होगा, ठीक है। तो इस जंक्शन से जो लेफ्ट में आ रहा होगा, वो फिर जो लेफ्ट वाले ब्रांच में 2 ओम है उसमें फिर नीचे जा रहा होगा, और नीचे आ रहा होगा कितना जा रहा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V-2 अपॉन 2, ये बन जाएगा, प्लस बीच वाले ब्रांच में जो नीचे आएगा वो 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V-4 है अपॉन 2, ये हो जाएगा, इतना करंट फ्लो करेगा, और प्लस जो जंक्शन से राइट की तरफ जा रहा होगा वो फिर जो राइट वाला 2 ओम रेजिस्टर है उसमें नीचे आ रहा होगा, तो नीचे की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखेंगे तो V-4 और अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, ये कर देंगे, ठीक है। तो यहां से फिर ये आ जाएगा 3V इक्वल टू 10, तो V की वैल्यू आ जाएगी 3.33। तो इसमें जैसे V की वैल्यू निकालनी थी, तो V की वैल्यू तो ऐसा हो गया, अगर करंट निकालना होता तो करंट भी निकल जाएगा एक बार, जैसे ही V पता चल गया, तो V पता चल गया कि ये 3, V की वैल्यू अगर मैं लिख दे रहा हूं, तो ये 10/3 है, यहां पे भी लिख दिया कि ये 10/3 है, 10/3, और यहां पे भी लिख दिया कि ये 10/3 है, तो आप करंट निकाल सकते हो ना, करंट मान लो, करंट निकाल के देख लेते हैं, करंट अगर निकाल रहे हैं तो इस वाले ब्रांच में अगर देखोगे लेफ्ट वाला जो रजिस्टर है 2 ओम वाला, तो उसमें ऊपर में 10/3 और नीचे में है 2, तो 10/3 बड़ा, तो इसमें करंट नीचे आएगा, कितना जाएगा, तो 10/3-2 करोगे तो 10/3-2 कितना हो जाएगा, 4/3, और अपॉन 2 करोगे तो ये 2/3 एम्पियर करंट नीचे जाएगा। बीच वाले ब्रांच में अगर देखोगे तो ऊपर में 10/3 और नीचे 4 है, तो 4 बड़ा है, तो इसमें करंट ऊपर जाएगा, बीच वाले 2 में करंट ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, कितना जाएगा, तो 4-10/3 करोगे तो 4-10/3 कितना हो जाएगा, 2/3, तो 2/3 अपॉन 2 करोगे तो ये 1/3 एम्पियर करंट आ जाएगा। राइट वाला जो 2 ओम है उसमें अगर देखोगे तो नीचे में 4 है, ऊपर में 10/3 है, तो इसमें भी नीचे वाला हायर पोटेंशियल पे है, तो इसमें भी 4-10/3 अगेन 2/3 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 एम्पियर, और ये देखोगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज ऊपर वाले जंक्शन पे अगर देखोगे तो उसमें लेफ्ट से करंट आएगा, नीचे से करंट आएगा, और दोनों 1/3 एम्पियर आएगा, और वो फिर लेफ्ट में चला जाएगा। तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट तो तुम्हें फाइनली पता चलेगा V निकलने के बाद, बट V निकालने के लिए हम जब जंक्शन पे केसीएल लगाते हैं तो उसमें हम बाहर जाना हुआ करंट सोच लेते हैं, सो दैट उसको जीरो इक्वेट करके हम V की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। ओके, सो आज के वेबिनार का टाइम थोड़ा हो गया है, तो आज का डिस्कशन हम यहीं तक करते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स वाले पार्ट्स रह गए हैं डीसी सर्किट्स में, तो डीसी सर्किट्स एक और हम वेबिनार लगाएंगे जो नेक्स्ट वेबिनार, तो उसमें हम डीसी सर्किट्स का जो ये इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट है ये कर लेंगे, और फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स वाला पार्ट छोड़ा है तो वो कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम कैपेसिटर्स स्टार्ट करेंगे। तो अभी 2 सेशंस और लगेंगे, जिसमें कि हम एक सेशन में डीसी सर्किट्स का
इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स वाला पार्ट करेंगे और एक और सेशन हम लेंगे जिसमें कि हम कैपेसिटर्स करेंगे। तो दो सेशंस और लेंगे जिसमें हमारा शुरू का जो तीन चैप्टर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डीसी सर्किट और कैपेसिटर्स, ये खत्म हो जाएगा। तो टोटल चार सेशंस लगेंगे इन तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। ओके, तो आई होप आज के डिस्कशन से तुम्हें फायदा हुआ होगा। ये डीसी सर्किट चैप्टर, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स में इसके मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं एक ही पेपर में, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो अगर ये जो हम VMC आपके लिए जो ये रिविजन सीरीज ला रहा है, आई होप इससे सबको फायदा हो रहा होगा, सब लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। टाइम टू ये एक अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से पूरा रिविजन हो जाएगा पूरे दो साल के सिलेबस का। तो अगर ये आपको बेनिफिट मिल रहा है इस सीरीज से, तो आप फिर इस जो भी हम ये कर रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, इसको लाइक करें, इस पे कमेंट करें और इसको थोड़ा स्प्रेड करें वर्ड, सो दैट आपके फ्रेंड्स या जो भी और जो दोस्त हैं उन तक भी इसका बेनिफिट पहुँच सके। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जो नेक्स्ट सेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस सीरीज में आगे बढ़ेगा उसमें हम मिलेंगे। थैंक यू।